राय स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार को श्री श्री 1008 श्री बाबा रूडेनाथ जी का 9वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हवन यज्ञ कर किया गया। सांसद रमेश कौशिक ने यज्ञ में आहुति देकर सुख शांति की कामना की। इसके बाद भंडारे की शुरुआत की गई। भंडारे में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा भाजपा युवा नेता पुनीत राय की तरफ से लगाया गया था। चलिए आगे दिखाते हैं युवा भाजपा नेता पुनीत त्यागी ने अपने संबोधन में क्या कहा। जी श्री श्री 1008 श्री गुरुनाथ बाबा जी की समाधि है राय इंडस्ट्रीज एरिया में, उसी के उपलक्ष्य में ये भंडारा हम हर साल करते आए हैं। अब ये 9वां भंडारा है, वो तो खुशी है। एक तो हमारी बीजेपी की हरियाणा की 10 की 10 सीटें आई हैं, और तो दूसरा बाबा रूडेनाथ जी का भंडारा है। हमारे सोनीपत के लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी, उनकी धर्मपत्नी जी के आने से भंडारे का आयोजन शुरू हुआ सुबह हवन के साथ। उसके बाद कैबिनेट मंत्री कविता जैन जी, कृष्ण गहलावत जी, और भी काफ़ी हमारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, सभी पहुँच रहे हैं। ये भंडारा 9वां भंडारा है, और सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट किया था पूरे हल्के का भंडारा। बाबू की कैसे प्रेरणा मिली भंडारा करने की? भंडारे की प्रेरणा जो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, उनके द्वारा भंडारे का आयोजन होता था, तो हमें देखते बड़ा अच्छा लगता था। मेरे छोटे भाई ने आके मेरे को कहा कि भाई ये बड़े बड़े मालिक हैं, ये भंडारा करते हैं, क्या हम भी छोटा मोटा भंडारा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बड़ा नहीं तो छोटा कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही 10 किलो 20 किलो आटे से शुरुआत करी, और आज आप सब के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से, ये बड़े विशाल भंडारे के रूप में। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।